नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नमस्ते ट्रम्प के बारे में। नमस्ते ट्रम्प एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है। इसके उन सभी पक्षों को देखेंगे जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस पैदा कर रहे होंगे। ठीक, तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस लेक्चर में। नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प भारत अमेरिका संबंधों का अवलोकन भी करेंगे इसमें। ठीक, हाल ही में जैसा कि आपको पता होगा नमस्ते ट्रम्प का आयोजन हुआ था जो भारत तथा अमेरिका के संबंधों को नया आयाम प्रदान करेगा। अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प का भारत आगमन हुआ तभी आपका नमस्ते ट्रम्प हुआ। जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे तो हाउडी मोदी हुआ था ना, उसी तरह का यह आपका नमस्ते ट्रम्प हुआ है। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का इतिहास पर एक नज़र डाल देते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आजाद हुआ था। याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आपका अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। और जैसा कि आपको पता होगा हमारा भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्वीकार किया गया। भारत ने गुट निरपेक्ष विदेशी नीति अपनाई तथा भारत विकासशील देशों में मुख्य लोकतांत्रिक राज्य बना। अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित एवं वित्तीय संतुलित करना था। अतः अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने में भारत से सहायता की अपेक्षा की, जबकि भारत ने स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति अपनाई। भारत के आरंभिक विकास में अमेरिका ने अत्यधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने की। दोनों देशों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कारण भी संबंध मजबूत हुए, परंतु निम्नलिखित कारणों से शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिकी संबंध प्रतिकूल हुए। जैसा कि आपको पता होगा जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो आपका अमेरिका में साम्यवाद को नियंत्रित करता है एवं वित्तीय संतुलित करता है, तो अमेरिका ने चाहा कि भारत इसी में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने आपकी अलग से गुट निरपेक्ष विदेश नीति अपनाई, मतलब इनसे हटके। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका में शामिल हो सकते थे तो हो सकता था कि हम अभी अंग्रेजों से छूटे थे, मुक्ति मिली हुई थी, फिर अमेरिका का राज हमारे ऊपर हो जाता। तो भारत ने सबसे हटकर अलग अपना व्यवस्था अपनाई, शासन व्यवस्था। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि कई देशों के संविधान से वही प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में जो हमें आवश्यक लगे, जरूरी लगे। ऐसा नहीं है कि किसी संविधान के हूबहू उठा के प्रावधान भारत में लागू कर दिए। नहीं, भारत में वही लागू किए गए जिनकी हमें जरूरत पड़ी थी, जो हमारे लिए जरूरी थे। ठीक है, भारत ने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का सिद्धांत अपनाया, जबकि अमेरिका ने निजी उद्यमों को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत स्वीकार किया। भारत ने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का सिद्धांत अपनाया, जबकि अमेरिका ने निजी उद्यमों को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत स्वीकार किया। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भारत पर दबाव का प्रयोग किया तथा पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया। भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ बेहतर संबंधों को अमेरिका ने संदेह की दृष्टिकोण से देखा। जैसा कि आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश जब आपका अलग हुआ, तो जब बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ बांग्लादेश को ही लेकर, तो उस समय हमें रूस ने सहायता दी थी। हमारे लिए रूस हमारे पक्ष में खड़ा हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान के। तो अमेरिका एक क्या कह लो उसे, मौका परस्त है कि अगर उसे जहां भी फायदा दिख रहा होगा वहां शामिल हो जाए। वो ना तो किसी का दोस्त है और ना ही किसी का दुश्मन, क्योंकि वो कभी भी दोस्ती दोस्त बना सकता है। अब देखिए, जिसके लिए अफगानिस्तान में आया हुआ था उसी से उसने हाथ मिला लिया और निकल गया वहां से, क्योंकि वो अपने फायदे का सौदा देख रहा है। गोवा पर पुर्तगालियों का नियंत्रण तथा पुर्तगाली नाटो का सदस्य था, इसलिए अमेरिका और पुर्तगाल के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध थे। वर्ष 1961 में भारत के द्वारा
गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया। अतः गोवा की मुक्ति के संबंध में अमेरिका ने पुर्तगालों का समर्थन किया था। जैसा कि आपको पता है 1498 के करीब आपके पुर्तगाल भारत में आए, सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आए और सबसे बाद में पुर्तगाल भारत से गए 1961 में। तो इसमें गोवा की मुक्ति के संबंध में भी अमेरिका ने पुर्तगालों का समर्थन किया था, ना कि भारत का। उपयुक्त मतभेदों के बावजूद 60 के दशक में भारत अमेरिका के संबंध अत्यधिक बेहतर रहे। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का पूर्ण समर्थन किया तथा भारत को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की, परंतु भारत एवं अमेरिका के मध्य यह मधुर संबंध ज्यादा दूरगामी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमेरिका ने दोनों देशों को युद्ध के लिए समान रूप से में उत्तरदायी माना और भारत के लिए आर्थिक और सैनिक सहायता पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारत एवं अमेरिकी संबंधों में दूरी बन गई। जैसा कि आपको पता होगा 1962 में तो भारत का समर्थन किया पाकिस्तान उसने अमेरिका ने, क्योंकि अभी भी अमेरिका अपना हित साध रहा है, क्योंकि चीन उठ रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है, तो चीन को प्रतिस्थापित करने के लिए भारत से वो हाथ मिला रहा है अमेरिका। और यहाँ जब पाकिस्तान की बात आई हुई थी तो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान को दोनों को जिम्मेदार माना युद्ध के लिए, जबकि आपका पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार था इस युद्ध के लिए। आगे बात करते हैं संबंधों में सुधार। वर्ष 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्विंटन की भारत यात्रा प्रस्तावित थी, परंतु परमाणु भारत के परमाणु परीक्षण के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। वर्ष 2000 में बिल क्विंटन की भारत यात्रा हुई, जिसमें अमेरिकी भारत संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया गया। जैसा कि आपको पता हुआ 1998 में आपने परमाणु परीक्षण किए, तो इस समय भी आपका अमेरिका आपके विपक्ष में ही था, ठीक है। आगे बात करते हैं संबंधों में निर्णायक परिवर्तन। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूयॉर्क एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं। 2014 को भारत अमेरिका द्वारा एक विजन स्टेटमेंट चले साथ साथ जारी किया गया। इस विजन स्टेटमेंट में सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण इत्यादि मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग की बात की गई। दोनों देशों के बीच विज्ञान, तकनीकी, व्यापार एवं रणनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2014 में की गई सफल अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वराक ओबामा का 66वें भारतीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनना भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। अमेरिका में हाउडी मोदी भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन भारत एवं अमेरिका के संबंधों को नया आयाम प्रदान करेगा। अभी जो अमेरिका गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हाउडी मोदी वहाँ आयोजन हुआ था एक कार्यक्रम, और भारत में जब आए डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ नमस्ते ट्रंप। यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप का अपना हित है, क्योंकि अभी जैसा कि आपको बता हुआ बीच में चुनाव है वहाँ राष्ट्रपति के, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने यहाँ का अमेरिका में रहता है, ठीक है। एक समूह अपने यहाँ का बहुत बड़ा समूह अमेरिका में रहता है, तो उसी के अपने पक्ष में लाने के लिए ट्रंप साहब अपने करतूत अजमा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत एवं अमेरिका संबंध। कश्मीर मुद्दा सबसे पहले, शीत युद्ध के दौर में भारत एवं अमेरिका संबंधों के कटु होने का महत्वपूर्ण कारण कश्मीर मुद्दा था। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने सदैव पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी कश्मीर मुद्दे से जोड़ा गया है। अमेरिका ने वास्तविक स्थिति का समर्थन करने की बजाय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र, जबकि भारतीय विदेश नीति में कश्मीर को सदैव भारत का अभिन्न अंग माना है। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, जबकि भारतीय विदेश नीति में कश्मीर को सदैव भारत का अभिन्न अंग माना है। वर्ष 1990 के दशक में अमेरिकी गृह मंत्री गृह विभाग में सहायक सचिव रॉबिन रफेल ने
कहा था कश्मीर का भारत में विलय ही विवादास्पद है। अमेरिका ने तो यहां तक कहा कि कश्मीर मसले पर दोनों राष्ट्रों के मध्य संघर्ष हो सकता है। वर्तमान समय में अमेरिका के दृष्टिकोण में कश्मीर मुद्दे पर स्पष्ट परिवर्तन हुआ है, जो निम्नलिखित है। कश्मीर मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय रूप में होना चाहिए। अब अमेरिका जन्म संग्रह की मांग का समर्थन नहीं करता। अभी भी कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत एवं अमेरिका के मध्य दृष्टिकोण में भिन्नता है, क्योंकि अमेरिका के अनुसार कश्मीर मुद्दे के समाधान में कश्मीरियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वर्ष 1999 में पहली बार अमेरिका के द्वारा भारतीय पक्ष का सीधा समर्थन किया गया था। वर्ष 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को नियंत्रण लाइन का पालन करना चाहिए। किसी भी सैन्य कार्यवाही द्वारा नियंत्रण लाइन परिवर्तित करने का विरोध किया था। समस्या का समाधान द्विपक्षीय रूप में करने का समर्थन किया था। याद रखिए, मुझे लगता है कि जब से मैं किसी का पक्षधर विपक्ष नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे देश का जो भी हो नेता मजबूत है तो हमें चारों तरफ से समर्थन मिलता है। अपने आप को ले लीजिए, अगर आप अपने आप में मजबूत हैं तो आपकी मदद के लिए हर कोई खड़ा रहेगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपके विपक्ष में हर कोई खड़ा रहेगा। ये हकीकत है। जब से मैंने देखा है 2014 से, जब से हमारी स्थायी सरकार आई हुई है, तब से हमने देखा है कि ज़्यादा बहुत से देश हमारा समर्थन करने लगे। अब अमेरिका को ही देखिए, यू टर्न घूम लिया अमेरिका ने। अभी दोनों बार अपने स्ट्राइक हुई तो इसका भी समर्थन अमेरिका ने किया हुआ था। एक मानवाधिकार का मुद्दा भी है। सीधे उत्तर विश्व में अमेरिकी विदेश नीति में लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति को महत्व दिया गया। वर्ष 1990 में अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि भारत को सभी प्रकार के अनुदान स्थगित कर दिए जाएं, क्योंकि भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच की अनुमति नहीं दे रहा है। भारतीय विदेश नीति के अनुसार अमेरिका की भांति भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, जहां एक निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली है, इसलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप तार्किक नहीं है। वर्ष 1992 में अमेरिका के राज्य विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय सैनिक और अर्धसैनिक बलों द्वारा असम, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। परंतु सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है तथा उसने स्वीकार किया है कि भारत मूलतः सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है और भारत के स्थायी लोकतंत्र की प्रशंसा भी की है। तो बोला है ना कि आपका अमेरिका कभी भी यूटर्न ले ले, कोई उसका ठिकाना नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं परमाणु मुद्दे पर। भारतीय विदेश नीति में आरंभ से ही वैश्विक व समग्र निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। किसने? भारत ने। परंतु परिवर्तित क्षेत्रीय परिस्थिति के कारण और धुर राजनीतिक बाध्यताओं के कारण भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक किया। अमेरिका ने इसके बाद भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। सीधे उत्तर में विश्व में परमाणु मुद्दे दोनों देशों के मध्य मतभेद बना रहा। भारत ने वर्ष 1995 में स्थापित CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया, ना ही वर्ष 1968 में NPT पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि भारत के अनुसार निःशस्त्रीकरण व्यापक और वैश्विक और सार्वभौमिक रूप में होना चाहिए। इसलिए भारत ने इन दोनों संधियों को भेदभावपूर्ण माना। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा पोखरण परमाणु विस्फोटक किया गया, जिसमें भारत ने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अर्जित करना है। पोखरण विस्फोट के पश्चात भारत के संबंध अमेरिका से अत्यधिक कटु हो गए। सितंबर 2001 के बाद भारत एवं अमेरिकी संबंधों में निर्णायक परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त कर दिए। अमेरिकी विदेश नीति में भारत के प्रति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जब अमेरिका ने भारत को अलग अलग करने की बजाय परमाणु क्षेत्र में सहयोग का निर्णय लिया। वर्ष 2005 में भारत और अमेरिका के मध्य सिविल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे वर्ष 2008 से लागू कर दिया गया।
अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को निर्णायक महत्व प्रदान किया है। इन सहयोग के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर मतभेद भी कायम है, जो निम्नलिखित है। अमेरिका अभी भी भारत के पिछेपास्त विकास कार्यक्रम को प्रतिबंध करने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका द्वारा भारत के लिए अभी भी उच्च संवेदनशील तकनीकी का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो। बात करते हैं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र। अमेरिका और भारत के बीच नए निवेश संधि पर दोनों देश सहमत हो गए। दोनों देशों में एक दूसरे के निवेश को संरक्षण देने वाली द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति हो गई। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में 60% की वृद्धि हुई है और दोनों देशों में लंबे समय से लंबित टोटलाइजेशन समझौते पर बातचीत के लिए सहमति जताई है। इससे अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी टैक्सों के जरिए फायदा मिलेगी। मोदी ओबामा वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु परमाणु करार अवश्य था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में प्रगति ध्यान भी रखा गया है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने की योजना में अमेरिकी कंपनियां हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। सबसे प्रमुख बात तरल प्राकृतिक गैस LNG की आयात पर हुई। यह सहमति बन गई है कि अमेरिका से भारत को LNG का निर्यात किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत एवं अमेरिका के मध्य उच्च तकनीकी समझौता भी प्रगाढ़ हो रहा है, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। जनवरी 2011 में 9 भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए गए। भारत एवं अमेरिका के बीच राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान सहयोग निम्नलिखित मूलाधारों पर बल दिया गया था: सामरिक सहयोग, विज्ञान तकनीकी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा और मौसम परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में सहयोग, आर्थिक व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग। भारतीय और अमेरिकी की अर्थव्यवस्थाओं परस्पर प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती वृद्धि को देखते हुए भारत को अमेरिकी वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतर तकनीकी उपलब्ध है। अब बात करते हैं हम लोग भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों का विकास। वर्ष 2005 में भारत एवं अमेरिका के बीच रक्षा समझौते के नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए, जिसके मूलभूत बिंदु निम्नलिखित हैं: सुरक्षा हितों में व्यापक सहयोग, लॉजिस्टिक सहायता सुविधाओं की लेनदेन, भारत की नौसेना का हिंद महासागर के बाहर विस्तार। नवंबर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान पहली बार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक सहयोग समझौता। वर्ष 2016 में भारत अमेरिकी सामरिक संबंध और सुदृढ़ हो गए। दोनों देशों के बीच दोनों ही सेनाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति, कलपुर्जी की मरम्मत के क्षेत्र में आपसी सहयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत अमेरिकी सेनाएं भारत के सैनिक अड्डों पर तैनात नहीं होंगी, परंतु अमेरिकी सेनाओं के हिंद महासागर एवं समुद्री क्षेत्रों में दोनों के द्वारा एक दूसरे को परिवहन तथा सैन्य संचालन के क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रक्षा संबंध के बारे में। रक्षा संबंध। भारत हथियारों के आयात की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। वर्ष 2014 में भारत को द्वारा अमेरिका के विमानों की खरीद को रद्द करने का कारण तकनीकी है। अभी भी भारत को बड़ी मात्रा में रक्षा सामग्री के आयात की आवश्यकता है। अमेरिका भारत से हथियार निर्यात समझौता करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: अमेरिका द्वारा निर्यातित रक्षा उपकरणों को अमेरिका की अनुमति के बिना किसी अन्य देश को नहीं बेचा जाएगा। भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों में सुधार नहीं करेगा। इन रक्षा उपकरणों के विभिन्न सामान अमेरिका से लिए जाएंगे। अमेरिका इन उपकरणों का निरीक्षण भी कर सकता है तथा निरीक्षण के स्थान का चयन भारत के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सामग्री का संयुक्त उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं आतंकवाद का पक्ष भी देख लेते हैं। विश्व व्यापार केंद्र WTC और पेंटागन पर अलकायदा द्वारा
किया गया हमला बहुत भीषण था, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद उस प्रशासन ने आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया, जिसका भारत ने पूर्ण सहयोग किया। पता है आपको, इससे पहले अमेरिका आतंकवाद को मानता ही नहीं था। वो सो बोलता रहता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन जब खुद पर बीती बीती तभी पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर जब अलकायदा का हमला हुआ, तब मालूम चला कि आतंकवाद ऐसा होता है। ऐसा ही है असल जिंदगी में, कि अगर दूसरे का दुख है तो वो एक आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि दुख क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए किसी के दुख का मजाक मत उड़ाइए। वर्ष 2011 में ही एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी ने यह स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा प्रायोजित है। अमेरिका ने पहली बार यह सार्वजनिक रूप में कहा कि कहा इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य आतंकवाद के मुकाबले के लिए सैन्य और आसूचना के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों के मध्य आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को लेकर दृष्टिकोण में निम्नलिखित अंतर भी हैं। भारत के अनुसार अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला सर्व प्रमुख देश है। भारत के अनुसार जम्मू कश्मीर में चल रहे सीमा पार आतंकवाद को भी आतंक के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय मूल के लोग और लोकतंत्र। भारत एवं अमेरिकी संबंध को प्रगाढ़ करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारतीय मूल के लोगों का निर्णायक योगदान है। अब भारतीय मूल के लोग अमेरिकी विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदवारी को भारतीय मूल के लोगों ने व्यापक आर्थिक सहयोग दिया। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग लगभग 25 लाख के करीब हैं, अत्यधिक शिक्षित एवं संपन्न है, इसलिए भारत और अमेरिका को यह अब प्राकृतिक मित्र कहा जा रहा है। तथा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के बाद के कारण विचारिक आधार पर भी दोनों देशों के मध्य संबंध मित्रतापूर्ण हो रहे हैं। अब बात करते हैं भारत एवं अमेरिका दृष्टिकोण में भिन्नता क्या है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है और अमेरिका के द्वारा भारत को अपना पिछ लग्गू बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जबकि भारत सामरिक स्वायत्त की नीति का समर्थक है, इसलिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है, परंतु अमेरिका पूरी दुनिया को अमेरिकी प्रभुत्व के अंतर्गत नियंत्रित करना चाहता है, जिसे लोकप्रिय रूप में पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में भारत और अमेरिका के मध्य स्पष्ट मतभेद विद्यमान है। अमेरिका यह आरोप लगाता है कि भारत विश्व व्यापार संगठनों की वार्ताओं में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि भारत का मानना है कि इन वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अमेरिका के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत जैसे देशों को भी क्योटो प्रोटोकॉल पर बाध्यकारी समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। भारत के अनुसार विकासशील देश बाध्यकारी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में विकसित देशों का सर्वाधिक योगदान रहा है। लेकिन दोनों देशों के मध्य पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के मुद्दे पर भी मतभेद विद्यमान है। चूंकि भारत विकासशील देशों के दृष्टिकोण का समर्थक है, जबकि अमेरिका विकसित देशों के दृष्टिकोण का। अमेरिका के अनुसार भारत को परमाणु अप्रसार संधि एवं समग्र परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए, जबकि भारत का तर्क है कि परमाणु हथियार का समापन समूचे विश्व में होना चाहिए। विकसित देश अपने परमाणु हथियार को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि भारत पर परमाणु अप्रसार का दबाव बनाया जाता है, इसलिए परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर भी मतभेद है दोनों देशों में। नमस्ते ट्रंप, यह आयोजन आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवभगत में गुजरात में आयोजित किया गया। इसके माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का संपूर्ण विश्व में प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ताजमहल, बॉलीवुड तथा क्रिकेट से संबंधित बातें यह दर्शाते हैं कि अब भारत अमेरिका संबंध सरकार के जुड़ाव से आगे बढ़कर जन जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। यह आयोजन भारत अमेरिका संबंधों में
सुधार के साथ हालिया वैश्विक तनाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो ये था आपका नमस्ते ट्रंप, और अमेरिका और भारत के बीच जो भी सवाल रहते हैं उन सभी के आप लोगों को लगभग लगभग जवाब मिल गए होंगे। ठीक है,